तीन बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यज्ञ का एक तत्व है कि मनुष्य नेता की आज्ञा का अनुसरण करे। यजमान का एक संकल्प होता है और उस संकल्प की पूर्ति के लिए अनेक ऋत्विक होते हैं जो यजमान के संकल्प के अनुसार कार्यों को करते हैं और यज्ञ को सफल करते हैं। यदि नेता के पीछे चलने वाले व्यक्ति नेता की आज्ञाओं का अनुसरण नहीं करेंगे, सेनापति के पीछे चलने वाले सैनिक यदि सेनापति के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो युद्ध में सफलता नहीं मिलेगी। सेना शब्द स्त्रीलिंग में बताया गया है और सेना शब्द का अर्थ क्या होता है? इना सह सेना, जो स्वामी के सहित होती है उसको सेना कहते हैं। और स्त्रीलिंग क्यों है ये, तो इसके विषय में स्वामी समर्पणानंद जी इसकी व्याख्या करते हैं कि जैसे पति प्रायणा साध्वी स्त्री अपनी पति की आज्ञा का अनुसरण करती है, वैसे ही सेना को सेनापति की आज्ञाओं का अनुसरण करना चाहिए, तब वो सेना क्या है, सेना कहलाएगी, वो आदर्श सेना है। इसी प्रकार से प्रजा शब्द, ये भी कौन से लिंग में है? ये स्त्रीलिंग में है। और प्रजा और राजा, प्रजा का स्वामी कौन है? राजा। तो प्रजा भी यदि राजा के निर्देशों का वैसा ही अनुसरण करे जैसे पति प्रायणा स्त्री पति की आज्ञाओं का अनुसरण करती है तो वो आदर्श प्रजा है, और ऐसी प्रजा होने पर राजा सफल होता है, राज्य के अंदर सुख होता है। तो ये यज्ञ का तत्व समझना चाहिए। प्रेरक वाक्य के अंतर्गत एक वाक्य है, कई बार कठोर वाणी बोलता हुआ भी व्यक्ति यह अनुभव नहीं करता कि मैं कठोर बोल रहा हूं, संघ का प्रभाव पड़ता है, सारे ही वैसे बोलते हैं तो उसको पता ही नहीं लगता कि मैं कठोर बोल रहा हूं। और यदि वो ऐसे व्यक्तियों के संग में चला जाए जहां बहुत ही मधुर मीठी भाषा बोलते हो तो वो कुछ उसको पता लगेगा भेद। और दूसरा कारण ये भी है, कई बार मान लीजिए अच्छा संग मिल भी जाए फिर भी
व्यक्ति ध्यान नहीं देता, उसको पकड़ में नहीं आता कि मैं कठोर वाणी बोल रहा हूँ, बताने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता, विचार नहीं करता। इसमें कारण क्या है? अंतःकरण की मलिनता है, उसने तपस्या नहीं की नियमों के पालन करने में, इस कारण से उसका अंतःकरण मलिन है और इस वजह से वो अच्छे गुणों को देखते हुए भी समझता नहीं है, अपने दोषों को देखते हुए भी उनको समझ नहीं पाता, अंतःकरण की मलिनता के कारण। तो जो विद्यार्थी जितना अनुशासन में रहते हुए तपस्या करेगा उतना उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होने से उसको अपने दोष पकड़ में आएंगे, कोई उसको दोष बताएगा तो उसको समझ में आएंगे, और वो दूसरों के गुणों को देखकर भी वो समझेगा और अपने दोषों को उनके साथ तुलना करके अपने दोषों को भी अनुभव करेगा। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमें अपने जो दोष हैं कठोर वाणी आदि के रूप में वो अनुभव में आते हैं या नहीं आते। ये वाणी के अनेक दोष है, ये तो एक कठोर वाणी का दोष बताया, और भी वाणी के आपको बहुत दोष मिलेंगे, ठीक है ना। और वो दोषों को पकड़ समझ वही सकता है जिसने उन दोषों को जाना है, कौन कौन से दोष होते हैं, और जिसने तपस्या की है वो उन दोषों को पकड़ेगा, समझेगा। फिर एक वाक्य है शीर्षक कुसंस्कार के अंतर्गत, संस्कार वशात विवशता से त्रुटि हो जाने पर जो कुसंस्कार बनते हैं वे बहुत हल्के होते हैं। कोई हमसे त्रुटि हो गई विवशता के कारण, संस्कारों के कारण, तो वो उसके संस्कार हल्के पड़ेंगे, पर जानबूझ के सुख लेकर जो त्रुटि की जाती है, एक तो व्यक्ति पहले वाली जो बात है उसमें वो करना नहीं चाहता किसी गलत कार्य को, लेकिन संस्कार वशात वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो फिसल गया, विषय कीचड़ में फंस गया, तो उसके संस्कार इतने नहीं पड़ेंगे, हल्के पड़ेंगे। लेकिन एक जानबूझकर वो गलत कार्य को यदि करता है, सुख लेकर जो त्रुटि की जाती है, भोग भोगा जाता है, उसके कुसंस्कार बहुत दृढ़ बनते हैं, और इन्हें हटाने में भी बहुत परिश्रम व काल लगता है। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्तियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गलत कार्य जानबूझकर ना करें, अनजाने में शीघ्रता से हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन जानबूझ के यदि करेंगे तो उसके संस्कार बहुत दृढ़ पड़ेंगे और उन्हें हटाने में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, समय लगाना। परंतु कभी कभी ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि साधक अपने संस्कारों को नष्ट करने का प्रयास करता है, सफलता नहीं मिलती, फिर प्रयास करता है, फिर विफल हो जाता है, और अंत में वो ये धारणा बना देता है कि ये संस्कार तो हटेंगे नहीं, ये हट नहीं सकते, ठीक है, ये गलत मान्यता है। तो उसका समाधान एक वाक्य में किया है कि उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होती है, शरीर भी उत्पन्न हुआ, शरीर भी नष्ट होगा, संस्कार भी कुसंस्कार भी उत्पन्न हुए, अविद्या भी उत्पन्न हुई, वो भी नष्ट होती है। अविद्या किससे उत्पन्न होती है? अविद्या की उत्पत्ति का कारण क्या है? इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या, ये वैशेषिक दर्शन के अंदर सूत्र आता है, ठीक है ना। अब जो मुक्ति से आया है उसमें संस्कार दोष तो नहीं है, वो शुद्ध है, उसमें इंद्रिय दोष के कारण अविद्या उत्पन्न होगी।
परंतु जो सृष्टि के बीच में है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, अब पैदा हुआ है, उसके पिछले जन्म के संस्कार हैं, वहाँ पे दोनों कारण बनेंगे, इंद्रिय दोष के कारण भी और संस्कार दोष के कारण भी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए खीर के अंदर जहर मिला हो तो वो सामान्य व्यक्ति खा लेगा और खाकर वह हानि उठा लेगा, वो इंद्रिय दोष के कारण उसने हानि उठा ली, इंद्रिय वो पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन कुछ देर के बाद जब उसको पता लगेगा कि अरे तो इससे मेरी हानि हो गई, तो अब उसको वो समझ में आएगा, वो मन से समझ में आएगा, इंद्रिय से समझ में नहीं आएगा। इंद्रिय दोष के कारण तो वो जहर मिली हुई खीर को खा लेगा। तो उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होती है। संस्कार किससे उत्पन्न होते हैं, आलोक जी बताएंगे। संस्कार की उत्पत्ति का कारण कुसंस्कार की उत्पत्ति का कारण कुसंस्कार की उत्पत्ति का कारण अविद्या है, और अविद्या की उत्पत्ति का कारण इंद्रिय दोष और संस्कार दोष है। अच्छे संस्कारों की उत्पत्ति का कारण विद्या, अच्छे संस्कारों की उत्पत्ति का कारण विद्या है, और विद्या की उत्पत्ति का कारण विद्या कैसे उत्पन्न होती है, योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति, उससे विद्या की उत्पत्ति होती है। तो जो बनाई जा सकती है वह नष्ट भी की जा सकती है, इसी सिद्धांत के अनुसार कुसंस्कारों को भी रोका जा सकता है, दुर्बल किया जा सकता है और उन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसी मान्यता नहीं बनानी चाहिए कि ये बुराई तो मैं दूर नहीं कर सकता, ये तो असंभव है, तो उसको अनित्य के रूप में समझना चाहिए, ये वास्तविकता है, तत्व है। फिर आगे एक वाक्य दिया है, जैसे हम अपने दुख का हर प्रकार से विरोध करते हैं, कपड़े गंदे हो गए, कीचड़ लग गया, गोबर लग गया, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, शरीर गंदा हो गया, बाहर गए धूल मिट्टी के कारण, फिर आकर स्नान करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, दुख है ये। शरीर के अंदर कोई रोग हो गया, खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, उसको दूर करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं आदि आदि। तो जैसे हम अपने दुख का हर प्रकार से विरोध करते हैं, उसे हटाने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं, स्वयं कष्ट उठाकर भी उसका नाश करते हैं, स्वयं कष्ट उठाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, समय लगाते हैं, बसों में जाते हैं, टेम्पो में जाते हैं, ठीक है ना, यात्राओं के धक्के खाते हैं, देर से दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, रोग की निवृत्ति के लिए। वैसे ही योगाभ्यासी को कुसंस्कारों से लड़ना पड़ता है। अब बाहर के दुख को दूर करने के लिए तो व्यक्ति कष्ट उठाता है, लेकिन क्लेशों को दूर करने के लिए कष्ट नहीं उठाता, तो उससे क्लेश दूर नहीं होंगे। क्लेशों को दूर करने के लिए भी कष्ट उठाने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो कुसंस्कार दूर होंगे, उनसे लड़ना पड़ेगा। आंतरिक दोषों की मात्रा बाहरी दोषों से बहुत अधिक होती है। जो हम बाहर से दोष करते हैं, वाणी से अथवा शरीर से, उसकी अपेक्षा मन से होने वाले दोषों की जो मात्रा है, संख्या है, वो बहुत अधिक होती है। और बिना एकाग्रता के जन्म जन्मांतर के सूक्ष्म कुसंस्कारों को तो व्यक्ति देख भी नहीं पाता। तो बहुत से संस्कार ऐसे हैं जो हमें एकाग्र अवस्था में पता लगते हैं। जितना जितना हमारा मन एकाग्र होता जाएगा, उतने उतने हमें मानसिक दोष पकड़ में आते जाएंगे। बहुत से विचार ऐसे होते हैं हमारी पकड़ में नहीं आते, चित्त की चंचलता के कारण, रजोगुण की प्रधानता के कारण।
परंतु जैसे जैसे मन एकाग्र होता जाता है, सत्वगुण उभरता जाता है, वैसे वैसे जो विचार मन के अंदर उत्पन्न होते रहते हर समय, वो पकड़ में आते जाते हैं। और उनके पकड़ में आने से हमें अपने संस्कारों का पता लगता है कि हमारे अंदर कैसे कैसे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। उन्हें हटाने की बात तो दूर रही। तो जो मन को एकाग्र नहीं करता, मन को रजोगुण प्रधान बनाए रखता है, सात्विक नहीं करता, वो अपने मानसिक दोषों को जान नहीं सकता। उनको हटाने की बात तो दूर रही। इसलिए हमें अधिक से अधिक अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, सात्विक बनाना चाहिए। जितना हम धर्माभ्यास करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, वेदाभ्यास करेंगे, जितना हम अहिंसा सत्य आदि का पालन करेंगे, उतना उतना हमारा मन चित्त सात्विक होगा, और उतने उतने हमें दोष पकड़ में आएंगे। हमारे अंदर जो विचार अनेक प्रकार के उत्पन्न होते रहते हैं वो हमें पकड़ में आएंगे, उनसे हमें अपने संस्कार पता लगेंगे, फिर संस्कारों के पता लगने पर हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर दिया है तप रहित व्यक्ति, जिसने तप नहीं किया, तपस्या नहीं की, ऐसा व्यक्ति कुसंस्कारों के उभरने पर भोग की ओर झुक जाता है। मान लीजिए कोई आलंबन आ गया सामने, जिसने तपस्या नहीं की, आलंबन के सामने आने पर कुसंस्कार जागेंगे, और जो तपस्या रहित व्यक्ति होगा वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और वो फिसल जाएगा, कुकर्म कर देगा। तो तपस्या रहित व्यक्ति कुसंस्कारों के उभरने पर भोग की ओर झुक जाता है। तपस्वी व्यक्ति कुसंस्कारों के उभरने पर उनसे लड़ता है और उन्हें जीत लेता है। तो कुसंस्कारों से कौन लड़ेगा? जो तपस्वी है, जिसने बाहर तपस्या नहीं की, बाहर सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख आदि से लड़ने का जिसने प्रयास नहीं किया, जो बाहर कष्टों से बचता रहा, वो अंदर के संस्कारों से कहाँ तपस्या करेगा लड़ने के लिए? ये बाहर की तपस्या ही अंदर की तपस्या के होने में सहायक होती है। जिसने बाहर कष्टों को सहन नहीं किया, नियमों का भंग करता रहा, ढीला ढाला चलता रहा, कष्ट सहन नहीं किए नियम अनुशासन के पालन करने में, वो कुसंस्कारों को दूर करने के लिए तपस्या कर लेगा, उससे ऐसी आशा नहीं कर सकते, वो ढीला ढाला चलेगा। तो ये बाहर के जो क्रियाकलाप है वो आंतरिक क्रियाकलापों को उत्पन्न करने में कारण बनते हैं। तो ये भी योगाभ्यासी व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। एक दोष जो लौकिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों के अंदर मिलता है वो होता है फलातुरता, अर्थात जल्दी जल्दी फल मिल जाए, फल मिलने में देर ना लगे। तो जो इस भावना से युक्त होकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, फल को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, उसको क्या है, निराशा होगी अंत में। वो ही देखेगा कि मैंने पुरुषार्थ किया, फल मिल ही नहीं रहा, फिर वो पुरुषार्थ करना छोड़ देगा। फलातुरता है उसमें, उसके अंदर धैर्य नहीं है। एक आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे जो नियमित रूप से चलता रहता है वो फिर फल को प्राप्त कर लेता है, और जो तेज़ी से जाता है खरगोश की तरह सो जाएगा, आराम कर लेगा, अभिमान उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा और फिर वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति को अथवा लौकिक व्यक्ति को भी यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। धर्म का सबसे पहले लक्षण कौन सा है? धैर्य। धृति क्षमा दमोस्तेयम। फलातुरता ना हो, जल्दीबाजी ना हो, जल्दी मिल जाए। जिसके अंदर ये होगी वो फिर
धीर नहीं होगा, वो अधीर होगा, ठीक है ना। उसके अंदर फिर निराशा उत्पन्न हो जाएगी। चुपचाप चुपचाप वो फल प्राप्ति के लिए कार्य करता रहे। चुपचाप का अर्थ स्वामी समर्पणानंद जी ने एक जगह किया है, चुप धातु है, चुप धातु धातु पाठ के अंदर है, उससे चोप शब्द भी बनेगा, ठीक है ना। तो चुप धातु का क्या अर्थ दिया है वहाँ, मंदायाम गतौ, मंदायाम गतौ, गति शब्द स्त्रीलिंग है, तो मंद का स्त्रीलिंग में क्या हो गया, मंदा, मंदायाम गतौ, तो मंद मंद गति से चलना, ये कहलाता है, ये चुप धातु का अर्थ है। तो चुपचाप का मतलब क्या हो गया, मंद मंद धीरे धीरे गति से चलना। तो जो धीरे धीरे धर्म का संचय करता रहता है, ये भी बात आई ना संस्कार विधि के अंदर, धीरे धीरे धर्म का वो संचय करता रहे, तो जो फल की प्राप्ति में आतुर नहीं होता, उतावला नहीं होता, अपितु धीरे धीरे अपना वो पुरुषार्थ करता रहता है, तो वो सफल होता है। और इसके लिए वृक्ष का उदाहरण देते हैं। अब आपने कोई बीज बोया, एकदम से तो फल मिलता नहीं है, बीज बोएंगे उससे अंकुर फूटेगा, पौधा होगा, फिर कुछ बढ़ेगा, फिर कई सालों के बाद फिर फल लगेंगे। तो जैसे वृक्ष से हमें तुरंत फल नहीं मिल जाता, गाय से भी हमें जो उसका दूध है तुरंत नहीं मिल जाता, गाय को पहले खिलाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो समय दूध देगी। तो इसी प्रकार से हमें फलातुरता से रहित होना चाहिए। ये दोष है, एक है फलाशक्ति। गीता में आपने श्लोक सुना होगा, कर्मणीय अधिकारः मा फलेषु कदाचन, मतलब कि फल में आसक्ति ना हो। फल में आसक्ति कहें या फलातुरता कहें, एक ही बात है, ठीक है ना। जिसकी फल में आसक्ति होगी वो हर समय फल को सोचता रहेगा, अरे फल मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, इतना समय हो गया करते करते। तो ये फल में जो आसक्ति है, ये भी क्या है, बाधक, बाधक है ये पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को क्या है, निराश करेगी। इसलिए फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म में ही, कर्म को ही कर्तव्य मानकर वो करता जाए, फल मिले ना मिले। तो ये निष्कामता है, एक प्रकार से ये क्या है, निष्कामता है। निष्कामता फल की आसक्ति से रहित होकर काम करना, फल मिले ना मिले बस अपना काम करते रहना, उसको कर्तव्य मानकर, ईश्वर की आज्ञा का मानकर। एक बात पूज्य स्वामी जी बताते हैं कि व्यक्ति को अपने आप को मारना पड़ेगा तब समाधि लगेगी, अपने आप को मारना पड़ेगा तब नया जीवन मिलेगा। और अपने आप को मारा नहीं, जो घर में थे वैसे ही चाल चलन चलते रहे, वैसे ही क्रियाकलाप करते रहे, विषय भोगों को भोगते रहे, बुरे विचारों को उठाते रहे, गलतियां करते रहे, दोष करते रहे, तो नया जीवन मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो पुराने सभी विचारों को मारना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, तब नए विचारों का बीज उत्पन्न होगा। यही बात जो हम स्तुति प्रार्थना उपासना में पहला मंत्र बोलते हैं, ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ने आसुव। हे परमेश्वर, हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। दुर्गुण को दूर करने के लिए मान लीजिए हम क्रोध को दूर करना चाहते हैं, तो क्रोध के विषय में एक विचार भी दिन भर नहीं आना चाहिए, क्रोध से संबंधित विचार भी दिन भर नहीं आना चाहिए। चोरी को दूर करना चाहते हैं तो दूसरे की वस्तु को लेने का विचार भी दिन भर नहीं आना चाहिए, तब तो ये चोरी का दोष हटेगा। और उसके साथ साथ स्वाध्याय भी करना चाहिए, चिंतन मनन भी करना चाहिए।
और स्वाध्याय तो कर रहे हैं, चिंतन मनन तो कर रहे हैं, सत्संग तो कर रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन विचार वही ला रहे हैं, चोरी के विचार ला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो चोरी से घृणा उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा, नया जीवन नहीं मिलेगा। नया जीवन यही है कि दोषों से घृणा हो जाए, और दोषों से घृणा तभी होगी जब हम पूर्ण रूप से उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, तब उनके विषय में तत्वज्ञान विवेक उत्पन्न होगा। फिर विवेक उत्पन्न होने पर फिर व्यक्ति गलत कार्य की ओर झुकेगा ही नहीं, फिर उसमें घृणा हो जाएगी, अप्रीति हो जाएगी। जब हम अपने दोषों को देखते हैं तो प्राय ये प्रवृत्ति होती है कि व्यक्ति दोषों को दूर करने का प्रयास तो करता है लेकिन ईश्वर से सहायता नहीं मांगता, दिन रात लगा रहता है, लगा रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन ईश्वर के सामने हाथ नहीं फैलाता, सहायता नहीं मांगता। ये एक दोष मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये कमी है। हम किसी भी दोष को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तो उस दोष को दूर करते समय ईश्वर से भी बल, सामर्थ्य, ज्ञान विज्ञान मांगना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं इस दोष को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए, जिससे कि मैं इस दोष को दूर कर सकूँ। ये ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव है। इस प्रकार से हम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। सफलता का जन्म असफलता के गर्भ से होता है, ये वाक्य सुना जाता है। अनेक बार असफलताएं मिलने पर ही व्यक्ति सफल होगा, पहली बार में सफल नहीं हो सकता। चींटी का उदाहरण है ना, चींटी चढ़ती है तो कितनी बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, और अंत में क्या है, वो सफल हो जाती है। इसलिए गिरने पर निराश नहीं होना चाहिए, ये गिरना फिसलना ये सफलता की सीढ़ी है, इससे हमें सफलता प्राप्त होगी। और सफलता प्राप्त करने के लिए कोई रहस्य नहीं है कोई कि आपको कोई रहस्य मिल जाए, सफलता मिल जाए। तो सफलता प्राप्त करने का रहस्य, वास्तव में रहस्य यही है कि जो विशेष पुरुषार्थ करता है वो सफल होता है, जो विशेष पुरुषार्थ नहीं करेगा वो सफलता को प्राप्त नहीं करेगा। कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है, जो परिश्रम से बचेगा वो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर से भी परिश्रम करना पड़ेगा, मन से भी परिश्रम करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यहीं तक रखते हैं।